गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 4 धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे। आज के जो टॉपिक होंगे वो होंगे उत्कर्ष धातुएँ, मिश्र धातु, धातु एवं अधातु के दैनिक जीवन में उपयोग। तो इन टॉपिकों का अध्ययन आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, जिसमें हमने धातु एवं अधातु की वायु के साथ, जल के साथ और अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई और विभिन्न उत्पादों को प्राप्त किया। उन उत्पादों की सहायता से हमने धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों का अवलोकन किया। तो चलो, तो अब हम अपने नए टॉपिक उत्कर्ष धातु, मिश्र धातु एवं धातु एवं उनके उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्कर्ष धातुएं क्या होती हैं। चलो उत्कर्ष धातुओं को जानने का प्रयास करते हैं। आप भी मेरे साथ लगातार बोर्ड की सहायता से नोट करते रहिए। हमने अपनी पिछली वीडियो में धातु एवं अधातु की वायु, जल एवं अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई, तो हमें पता चला जब वायु, जल एवं अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विभिन्न प्रकार के यौगिक निर्मित होते हैं। कुछ यौगिक लाभदायक और कुछ यौगिक हानिकारक रूप में निर्मित होते हैं। तो क्या उत्कर्ष धातुओं में भी इसी प्रकार की क्रियाएं होती हैं? क्या उत्कर्ष धातुएं भी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाती हैं? चलो तो इसको अध्ययन करते हैं। उत्कर्ष धातुएं, हम कह सकते हैं जब कोई धातु जल व वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करती है, जब कोई धातु जल व वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करती है तो ऐसी धातुओं को हम उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। कह सकते हैं ये धातुएं प्रकृति में उपस्थित होने के पश्चात भी अम्ल, वायु और जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, तो ऐसी सभी धातुओं को हम उत्कृष्ट धातुएँ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में सोना, चांदी आदि ये धातुएं उत्कर्ष धातुओं की श्रेणी में आती है, क्योंकि सोना, चांदी जल एवं वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करती है, अर्थात ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उत्कर्ष धातुएं क्या होती हैं? वे धातुएं जो जल एवं वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप में उपस्थित होती हैं, तो उन सभी धातुओं को उत्कर्ष धातुएं कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी आदि धातुएं उत्कर्ष धातुओं की श्रेणी में आती हैं। तो आप भी अब मेरे साथ उत्कर्ष धातु की परिभाषा को नोट कर लीजिए। उत्कर्ष धातुएं ऐसे धातु जो जल व वायु से कोई रिएक्शन या अभिक्रिया से कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे धातु जो जल व वायु से कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं तो उन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उदाहरण जैसे सोना, चांदी आदि धातुएं उत्कर्ष धातुओं की श्रेणी में आते हैं।
तो आपको उत्कर्ष धातुएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्रकृति में उपस्थित वे धातुएं जो जल एवं वायु से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते हैं तो उन सभी धातुओं को उत्कर्ष धातुएं कहते हैं। उदाहरण सोना चांदी आदि उत्कर्ष धातुओं की श्रेणी में आते हैं। तो आप उत्कर्ष धातुओं की परिभाषा को नोट कर लीजिए। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है? हमने विभिन्न धातुओं की शारीरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया, विभिन्न धातुओं की बनावट के बारे में अध्ययन किया, तो हमने यह पाया कि प्रकृति में बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं के यौगिक आपस में घुले होते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिश्र या घोल के रूप में या एक दूसरे में समाहित होती हैं तो उन सभी धातुओं को हम मिश्र धातुएं कहते हैं। तो उदाहरण लिख सकते हैं इसके। उदाहरण में कौन कौन सी ऐसी धातुएं हमने देखी थी जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिश्रित थी या मिली हुई थी? तो हमने देखा था स्टेनलेस स्टील और तांबा, ये दो ऐसी धातुएं थी जिनमें दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिली हुई थी। चलो तो अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होती है? ऐसी धातुएं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक ऐसी धातुएं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के निश्चित अनुपात में ऐसी धातुएं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से होता है तो उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु का एग्जाम्पल जैसे पीतल, स्टेनलेस स्टील आदि मिश्र धातु की श्रेणी में आते हैं। तो हम कह सकते हैं मिश्र धातु ऐसी धातु है जिनका निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से होता है तो वो मिश्र धातु कहलाते हैं। जैसे पीतल, कोमा, स्टेनलेस स्टील आदि ये धातुएं मिश्र धातु कहलाती है। जब पूछे तो भाई इसमें धातु कौन कौन सी होती है तो हम बता सकते हैं पीतल के निर्माण में जिंक प्लस कॉपर, जब जिंक और कॉपर आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वो पीतल का निर्माण करते हैं। तो हम मिश्र धातु को अच्छे से नोट कर सकते हैं। ऐसी धातुएं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक यौगिकों या धातुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से होता है तो उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, स्टेनलेस स्टील आदि मिश्र धातु की श्रेणी में आते हैं। आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं धातु एवं अधातु के अनुप्रयोग। अब हम बात करते हैं धातु एवं अधातु के उपयोग क्या होते हैं।
धातुओं से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण होता है, ऐ धातु हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से काम आते हैं, चलो तो उसका भी अब अध्ययन कर लेते हैं। धातु हमें मालूम है, धातु अत्यधिक कठोर होते हैं, इसके लिए इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की मशीनों, वायुयानों, रेल सामग्री, रेल निर्माण आदि में किया जाता है। तो धातु नंबर एक, धातु का उपयोग। धातु का उपयोग विभिन्न प्रकार की मशीनों कोमा यंत्रों आदि के निर्माण में किया जाता है। नंबर दो, विभिन्न प्रकार के कलपुर्जों, विभिन्न प्रकार की जो मशीनें निर्मित होती है उनके कलपुर्जों अर्थात उनके पार्ट्स, उनके भागों का निर्माण भी धातुओं की सहायता से किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कलपुर्जों का निर्माण धातुओं द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं ऐ धातु की, ऐ धातु का उपयोग विभिन्न प्रकार के उर्वरक निर्माण में होता है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के निर्माण में आगे बात करते हैं और किस रूप में काम आती है धातु। नंबर चार, पटाखों, हम बारूद के रूप में भी ऐ धातु का उपयोग करते हैं। पटाखों के निर्माण में ऐ धातु का उपयोग। इसके अतिरिक्त कोयला भी ऐ धातु का भाग है जिसका उपयोग हम ऊष्मा उत्पादन में करते हैं। कोयले ऐ धातु का उपयोग कोयले ऐ धातु का उपयोग ऊष्मा उत्सर्जन के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में धातु एवं ऐ धातु का उपयोग करते हैं। आप भी अपने आसपास की धातु एवं ऐ धातु का अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग करते हो उसे भी आप कॉपी में नोट कर सकते हो। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इस चैप्टर से संबंधित बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम अपने इस चैप्टर से संबंधित बहुत ही मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि आपसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, अचार निर्माण के पश्चात उसका संग्रह धातु या लोहे के पात्रों में क्यों नहीं करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में
धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। यदि हम आचार निर्माण के पश्चात उनका संग्रह लोहे के बने पात्रों में करते हैं तो धातु अम्ल से क्रिया करके विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसके कारण धातुओं में अचार, नींबू या चटनी को संग्रहित नहीं किया जाता है। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। धातु निर्माण के पश्चात उसका संग्रह धातु या लोहे के पात्रों में क्यों नहीं करते हैं? आंसर लिखते हैं इसका, क्योंकि अम्ल धातुओं अर्थात लोहे के पात्रों अम्ल धातुओं से क्रिया करके विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। हम आंसर दे सकते हैं, आचार निर्माण के पश्चात उसका संग्रह धातु या लोहे के पात्रों में इसलिए नहीं करते क्योंकि अम्ल धातुओं से क्रिया करके विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण आचार विषैला हो जाता है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलो तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सोडियम को वायु में खुला क्यों नहीं रख सकते? सोडियम भी धातु का ही रूप है। सोडियम और पोटेशियम धातु हैं लेकिन ये नरम होते हैं जिनको चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम को वायु में खुला क्यों नहीं रख सकते? अब हमने जब धातु की जल के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी तो हमने जाना था सोडियम एक तीव्र अभिक्रियाशील धातु होती है। ये जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो ये आग को पकड़ लेता है। इस कारण आग न लगे इसके लिए सोडियम धातु को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो हम इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। सोडियम आंसर लिखते हैं इसका, आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम एक तीव्र अभिक्रियाशील धातु होता है। यह तीव्र आक्सीकारी धातु होता है। सोडियम एक तीव्र अभिक्रियाशील धातु होता है जो कि वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है इसलिए इसको
इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन हमारे पास, सोडियम को खुला वायु में क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? इसका कारण है, सोडियम एक तीव्र अभिक्रियाशील धातु होता है जो वायु एवं जल के संपर्क में आने पर तीव्र आग को पकड़ लेता है। वायु और जल से यह अभिक्रिया करता है और आग को पकड़ लेता है। इस कारण आग न पकड़े इसके लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो आप दोनों क्वेश्चनों को जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने नए क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन, फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? हमें पता है फास्फोरस एक अधातु का प्रकार है, अधातु में सम्मिलित होता है। फास्फोरस सक्रिय अधातु की श्रेणी में आता है। यदि इसको खुला वायु में छोड़ देते हैं तो फास्फोरस भी वायु के संपर्क में आने पर आग को पकड़ लेता है। इस कारण फास्फोरस को भी आग न पकड़े इसके लिए जल में संग्रहित किया जाता है। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर किस प्रकार लिख सकते हैं? फास्फोरस एक सक्रिय अधातु होता है। फास्फोरस एक सक्रिय अधातु होता है जो कि वायु के संपर्क में जो कि वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। इस कारण इसे जल में रखा जाता है। तो हमने अभी जाना फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस एक सक्रिय अधातु होता है जो वायु में खुला होने पर आग पकड़ लेता है। इस कारण इसे जल में संग्रहित किया जाता है। आज हमने इस पाठ से संबंधित तीन क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया जो कि बोर्ड परीक्षाओं में हमसे पूछे जाते हैं। आपको भी ये तीनों क्वेश्चन आसानी से आ गए होंगे। चलो तो आप कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पाठ में धातु एवं अधातु में कुछ मुख्य रोचक तत्व क्या है। चलो तब रोचक तत्व में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहली जानकारी, सोडियम व पोटेशियम धातु नर्म होते हैं। हमने अपने धातु एवं अधातु के गुणों में अध्ययन किया कि धातु अत्यधिक कठोर होती है, लेकिन इसके विपरीत सोडियम व पोटेशियम ऐसी धातु होती हैं जो कि नरम होती है, जिन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। इसके पश्चात नंबर दो, मरकरी या पारा, मरकरी को पारा बोलते हैं, एक ऐसा धातु है जो कि बंद कमरे के तापमान पर सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन हमने धातु के गुण में तो यह पढ़ा था कि जो धातु होती है वो अत्यधिक कठोर होती है, लेकिन इसके विपरीत मरकरी पारा एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के ताप पर एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 4 धातु एवं अधातु की सभी जानकारियों को प्राप्त किया। इसके पश्चात आने वाली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। इसके लिए आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।